पूर्णिया के बनमनखी में एशिया का सबसे पुराना चीनी मिल वर्षों से बंद पड़ा है, लिहाजा हर चुनाव में ये मिल चुनावी मुद्दे में शुमार हो जाता है और चुनाव के बाद नेताजी के वायदे भी गुम हो जाते हैं। एक बार फिर चुनावी वर्ष में चीनी मिल सुर्खियों में है। जंग लग चुकी बनमनखी के चीनी मिल को बंद किए हुए वर्ष बीत चुका है। यहाँ काम करने वाले लोगों में ज्यादातर इस दुनिया में नहीं रहे। वहीं जो कर्मचारी बचे हैं, जिन्हें उम्मीद है कि चुनाव में अगर फिर मुद्दा बना तो इस मिल का कायाकल्प होगा और उनकी भी सूरत बदलेगी। इसी बीच सूबे के गन्ना मंत्री और पर्यटन मंत्री ने चीनी मिल का दौरा कर फिर से उम्मीद जगा दी है। स्थानीय बताते हैं कि ये एशिया का दूसरा बड़ा मिल हुआ करता था, जो लालू जी के समय में बंद हुआ और अब तक बंद ही है। इस चीनी मिल के पास 100 एकड़ से ज्यादा जमीन अब भी है, जिसके कुछ हिस्से पर दबंगों का कब्जा है। साथ ही बताया कि अगर यहाँ नया प्रोजेक्ट लगा तो रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। हम जो अभी इस खंडहर के पास खड़े हैं, यह एक एशिया का दूसरा स्थान रखने वाला चीनी मिल खंडहर के रूप में आज पड़ी हुई है। यह चीनी मिल वर्ष लगभग 1996-97 तक चली है और लालू प्रसाद जी के समय में यह चीनी मिल बंद हो गई। उस समय लगभग हजारों किसानों के साथ साथ यहाँ के युवाओं को, मजदूर को भी यहाँ पे रोजगार मिला करता था, लेकिन चीनी मिल बंद होने के बाद वह पूरी तरह ध्वस्त हो गया। लाखों किसान, हजारों किसान बेरोजगार हो गए। उनका जो खेती से आय होती थी वो बिल्कुल ही नदारद स्थिति में चला गया। जो मजदूर यहाँ अपना जीवन यापन करते थे, उनका भी यह बंद हो गया। अगर यहाँ पर कुछ न कुछ रोजगार का साधन खुलता है, चाहे मक्का आधारित उद्योग खुलता है, कुछ भी, तो हमारे जैसे लाखों युवाओं को रोजगार इस सीमांचल क्षेत्र में मिलेगा। इससे तो हम तो कहेंगे कि लाखों की संख्या में किसानों को चीनी मिल से लाभ मिलता था और एशिया में यह स्थान रखता था चीनी मिल। लालू प्रसाद जी के शासनकाल में ये बंद हुआ और अनवरत आज तक बंद है। जो कि कुछ जमीन अतिक्रमण है, जिसको मंत्रिस्को देख रेख के अभाव में जो है उस पर कोई फसल उगाता है, कोई कुछ करता है, घेराबंदी कर लिया है, इसको मुक्त करवाने की जरूरत है। सरकार की ओर से जो है अभी पर्याप्त मात्रा में जो है जो बकाया राशि था करोड़ों के रुपया लगभग, सभी को जो बकाया मजदूर, दैनिक मजदूर, परमानेंट मजदूर को अभी राशि दिया जाए। वहीं चीनी मिल का दौरा करने आए गन्ना मंत्री बीमा भारती ने बताया कि ये जगह अब बियाड़ा को दिया जाएगी। एशिया का सबसे जो है कि बड़ी मिल है और बहुत मिल जो है चर्चित में रहते थे बहुत पूर्व में पहले, और यहाँ मिल बंद होने के बाद जो है कि काफ़ी किसानों में भी दुख हुआ। और इस बार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो है कि यह जमीन यहाँ का जो है बनमनखी चीनी मिल का, पूरे बिहार का जितने भी चीनी मिल बंद पड़ा हुआ है उस सभी को बियाडा का देने का फैसला हुआ है, निर्णय लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। उसके माध्यम से जो है छोटे छोटे उद्योग हर जगह लगाने का काम करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से खास करके हम बात किए थे यहाँ बनमनखी चीनी मिल का, जो कि काफ़ी ज़मीन भी है और काफ़ी बेरोजगार है, जो कि वहाँ पर उद्योग लगनी चाहिए। तो मक्का का यहाँ उद्योग का बात हुआ है कि मक्का का उद्योग यहाँ लगना चाहिए और जितने भी छोटे छोटे उद्योग हैं वो भी लगनी चाहिए, जो कि हमारे जितने भी बेरोजगार हैं उसको रोजगार मिले। और गन्ना मिल के बदले मक्का आधारित उद्योग के साथ साथ कई कुटीर लगाए जाएंगे। वहीं पर्यटन मंत्री और स्थानीय विधायक कृष्ण कुमार ऋषि ने भी बताया कि मुख्यमंत्री से इस मिल के बारे में चर्चा हुई और उन्होंने मक्का आधारित उद्योग लगाने का आश्वासन दिया है। जो बहुत अच्छी मिल थी, एशिया का सबसे फेमस का मिल था या बनमनखी का, और बहुत अच्छे उत्पादन होती थी। उस समय लालू जी की सरकार थी जिस समय यह मिल बंद हुई थी। जब 2005 से माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार आई है, जब से हम लोग सरकार में आए हैं, निश्चित रूप से हम लोग पहल कर रहे हैं कि इस पर हो। यहाँ आने का इनका मकसद था कि यहाँ जो मिल है, यहाँ जो इस मिल में अब तो चीनी मिल नहीं खुल सकता है, लेकिन यहाँ जो इतना ऊपर एकड़ जमीन है, इस जमीन पर कैसे हम छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगे, इसकी चिंता के लिए माननीय मंत्री जी ने भी मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा किए थे। और बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी समीक्षा बैठक में जब आए थे तो इसमें भी चर्चा चली थी कि जो यह 125 एकड़ जमीन है, इस जमीन का उपयोग हो, और उपयोग के में इस नाते
कि बीएडा के माध्यम से हो, दूसरा उद्योग तो लग नहीं सकता है, लेकिन बीएडा के माध्यम से, जैसे माननीय मंत्री जी ने भी बोला कि मकई की खेती यहाँ बृहद पैमाने पर होती है, अन्य छोटे छोटे कुटीर उद्योग जो इस इलाके के जो अच्छी चीज है उस आधारित इस मिल पर उस तरह का उद्योग की संभावना सरकार चाह रही है उसी निमित्त। बहरहाल मंत्री जी के आने से चीनी मिल की तस्वीर मक्का आधारित मिल के रूप में बदलने की उम्मीद जगी है, लेकिन अभी तो यह आश्वासन की उम्मीद है जो चुनाव वर्ष में एक बार फिर मिली है। जो भी हो, इस पहल से लोगों में उम्मीद की किरण तो बंध चुकी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पूर्णिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।